हे व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है तुम लोग का एक अन्य वीडियो के अंदर। गाइस आज आप लोग करने जा रहे हैं इंडियन कार के साथ खतरनाक खतरनाक रैम चैलेंज। और गाइस इस वाले रैम में जो है ना गाइस आप लोग को क्लाइंबिंग करना है, वो भी गाइस इंडियन कार के साथ। तो चलो भाई, सबसे पहले जो है ना मैं तुम लोग को क्लाइंब करके बता दूँ। यहाँ पे गाइस ये देखो इतना बड़ा रैम है, मैं देख भी नहीं पा रहा भाई, मुझे गिरना पड़ेगा यार नीचे की तरफ। तो चलो गाइस यहाँ पे जो है ना सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे i20 से, और देखते हैं भाई जो गाड़ी है ना सबसे ज़्यादा पॉइंट ले आ पाती है उसी गाड़ी को जो है ना गाइस आप लोग विनर घोषित करेंगे। तो चलो गाइस यहाँ पे जो है ना i20 को मैं पीछे से मोड़ता हूँ। यहाँ पे रुको गाइस, थोड़ी गड़बड़ ना हो जाए। ओके चलो गाइस यहाँ से जो i20 को भगाते हैं एंड देखते हैं i20 कितने पॉइंट लेके आ पाती है इस रैम में। तो ओके भाई बहुत ही ज़्यादा हाइट है, 2 पॉइंट तो इसीलिए ले लिया, 3 पॉइंट, और i20 ने भाई 4 पॉइंट ले लिया। मुझे उम्मीद भी नहीं थी भाई i20 से कि 4 पॉइंट भी ले पाएगी, बट गाइस ये वाला जो रैम है ना बहुत ही ज़्यादा सीधा रैम है, इसके अंदर जो है गाइस कोई भी गाड़ी इतनी आसानी से पार नहीं कर पाएगी। तो चलो भाई i20 को एक बार और लेके चलते हैं। एंड i20 की गाड़ी जो है ना भाई यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ही खतरनाक तरीके से भाग रही है। ओके पहला पॉइंट ले लिया, फिर से दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, और ये चौथा पॉइंट ले लिया भाई साहब i20 ने। देखा गाइस मैंने बोला था ना i20 थोड़ी सी उम्मीद जगा देगी। चलो चलो गाइस यहाँ पे i20 के पास है गाइस 4 पॉइंट, और देखते हैं यहाँ पे कौन सी गाड़ी जो है ना कितना पॉइंट लेके आ पाती है। अभी गाइस i20 को रख देते हैं यार यहाँ पे, नेक्स्ट गाड़ी देखते अपनी। ओके गाइस तो अभी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, अपने पास है गाइस ओल्ड थार वर्सेस भाई न्यू थार। तो देखते हैं भाई इन दोनों में से कौन सी थार जो है ना बेटर परफॉर्म करती है। तो सबसे पहले जाएंगे अपनी ओल्ड थार पे, तो ओल्ड थार निकालो भाई जल्दी से यहाँ से। ओके गाइस ओल्ड थार को बारी है गाइस लेके जाने की, और ओल्ड थार को गाइस आप लोग सबसे पहले इस वजह से लेके जा रहे हैं क्योंकि मुझे ओल्ड थार की और न्यू थार की दोनों की परफॉर्मेंस देखनी है। ओके तो भाई ओल्ड थार जो है ना गाइस अपनी 4 पॉइंट पे आके रुक गई है। ओके भाई 5 पॉइंट पे ऑलमोस्ट आने वाली थी बट नहीं आ पाई गाइस यहाँ पे ओल्ड थार। जो चलो गाइस ओल्ड थार को वापस से एक बार लेके चलते और देखते हैं गाइस यहाँ पे 5 पॉइंट लेके आ पाते हैं या फिर नहीं अपनी ओल्ड थार। ओके भाई चलो यार यहाँ पे वापस से आ रही है अपनी ओल्ड थार, तो देखते हैं ओल्ड थार जो है ना भाई वापस से 5 पॉइंट लेके आ पाती है फिर नहीं। पहला पॉइंट ले लिया ओल्ड थार ने, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, यहाँ पे चौथा पॉइंट भी ले लिया, और 5वें पॉइंट के लिए बढ़ रहे आगे, बट नहीं भाई साहब 5वें पॉइंट तो नहीं लेके पाई भाई। चलो गाइस यहाँ पे ओल्ड थार जो है ना यहाँ पे सिर्फ 4 ही पॉइंट लेके आ पाई है। अभी के लिए गाइस i20 ओल्ड थार दोनों के बीच में जो है ना गाइस खतरनाक से टाई चल रहा है। अभी गाइस यहाँ पे अभी बारी अपनी न्यू थार की, तो न्यू थार देखते हैं कैसे परफॉर्म कर पाती है। कि गाइस तो अभी न्यू थार अपनी आ चुकी है। ओके गाइस तो न्यू थार आ चुकी है, न्यू थार की बारी है, तो देखते हैं भाई न्यू थार कैसे परफॉर्म कर पाती है। तो न्यू थार को भाई भी पहले पीछे से लेकर चलते हैं। ओके न्यू थार का राउंड 1 एंड देखते हैं राउंड 1 में कितनी ऊंचे तक जा पाती है। पहला राउंड, ओके पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट भी ले चुका है न्यू थार ने। ओके भाई सब 5वें पॉइंट तक पहुंच गए ये न्यू थार। ओके भाई दूसरे राउंड में देखते हैं यहाँ पे न्यू थार जो है ना कितनी आगे तक पहुंच पाती है। अभी तो यार इसने भी सिर्फ 5 ही पॉइंट ले पाए हैं, मुझे भाई 6 पॉइंट तक की उम्मीद है, तो देखते हैं 6 पॉइंट लेके आ पाती है अपनी। अगर गाइस अपनी न्यू थार जो है ना दूसरे राउंड के लिए निकल गई है, और दूसरे राउंड में देखना ही होगा गाइस 6 पॉइंट ला पाती है अपनी अपनी न्यू थार। ओके भाई साहब यहाँ पे वापस से जा रही है, और भाई ये देखो यार यहाँ पे 5 पॉइंट के आगे ही रुक गई है, यानी कि गाइस न्यू थार का पॉइंट है वो है गाइस 6 पॉइंट एंड ओल्ड थार का पॉइंट है वो है गाइस 4 पॉइंट। तो काफ़ी टक्कर का मुकाबला है भाई यहाँ पे, देखना पड़ेगा अपनी दो जो खतरनाक ऑफ रोडिंग कार है ना वो ये कैंप को पार कर पाती है फिर नहीं। ओके गाइस अपने पास जो अभी और कार बचे हैं जो कि गाइस ऑफ रोडिंग किंग मानी जाती है यहाँ पे गाइस, पहले तो यार है फॉर्चुनर लेजेंडर, और गाइस यहाँ पे दूसरी कार है वो है गाइस डिफेंडर। तो डिफेंडर से स्टार्ट करेंगे, और डिफेंडर को देख लो भाई तुम लोग यहाँ पे नीली कलर की है, काफ़ी अच्छे कलर की, और इसे भाई आप लोग लेके चलते हैं। पहले राउंड में देखना पड़ेगा गाइस इसकी स्पीड क्या है, और दूसरे राउंड में देखना पड़ेगा भाई ये कितने जगह आ पाती है। ओके तो डिफेंडर यहाँ पे निकल गई है, और डिफेंडर भी भाई अच्छे तरीके से भाग रही है। चलो चलो भाई यहाँ पे पॉइंट देखने दो। ओके 2 पॉइंट 3 पॉइंट 5 पॉइंट भाई 6 पॉइंट तक चली गई, और भाई डिफेंडर ने जो है यहाँ पे 7 पॉइंट तक पहुँच गई है, और भाई साहब डिफेंडर जो बुरी तरीके से पलट गई है। चलो भाई डिफेंडर को सीधी करता हूँ मैं, और भाई बहुत गंदी तरीके से हालत हो गई है डिफेंडर की। ओके गाइस तो डिफेंडर जो है ना भाई 7 पॉइंट तक तो पहुंच चुकी है भाई, मुझे उम्मीद नहीं थी डिफेंडर 7 पॉइंट तक पहुंचेगी, बट भाई साहब क्या डिफेंडर भगी यार। ओके दूसरे राउंड में देखना पड़ेगा गाइस अभी डिफेंडर जो है ना फाइनली कितने राउंड तक पहुंच पाती है। ओके पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, 5वां पॉइंट, 6वां पॉइंट भी ले लिया है, और 7वें पॉइंट के पास जो है ना गाइस डिफेंडर जो है हवा में उड़ती जा रही है, मतलब कि गाइस यहाँ पे डिफेंडर जो है सिर्फ 7 पॉइंट ही ले पाएगी। तो चलो गाइस यहाँ पे डिफेंडर के पॉइंट होता है 7 पॉइंट। अभी गाइस पारी है अपनी टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर की, तो देखते हैं भाई फॉर्च्यूनर लेजेंडर जो है ना यार इस रैम में जीत पाती है फिर नहीं यार। ओके गाइस तो फॉर्च्यूनर लेजेंडर में आके मैं बैठ चुका हूँ, और फॉर्च्यूनर लेजेंडर की भाई स्पीड जो है ना अभी नॉर्मली चल रही है, और पहला राउंड में ओके दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट लेते हुए भाई पहले राउंड में, और 5वें पॉइंट तक तो पहुँच भी नहीं पाया यार यहाँ पे फॉर्च्यूनर लेजेंडर।
तो चलो भाई यहाँ पे दूसरे राउंड में देखते हैं अपनी फॉर्चुनर है ना यहाँ पे कैसे परफॉर्म कर पाती है। भाई दूसरे राउंड में नाक मत कटा दियो भाई। चलो गाइस दूसरा राउंड भी यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। दूसरे राउंड में भाई फॉर्चुनर जब वापस से जो है ना यहाँ पे कम ही स्पीड पे जा रही है और भाई दूसरे राउंड पे तो भाई 5 पॉइंट भी नहीं लेके आया भाई भाई फॉर्चुनर। भाई साहब मुझे लगा यार फॉर्चुनर जो है ना कम वन कर पाएगी बट नहीं गाइस फॉर्चुनर ने जो है ना यहाँ पे बहुत ही गंदा होगा। गाइस यहाँ पे जो विनर है वो है गाइस अपनी खतरनाक से डिफेंडर। आप लोग गाइस डिफेंडर को प्यार करते हो या फिर फॉर्चुनर को फटाफट से कमेंट करके बता दो और ये भी मुझे नीचे कमेंट करके ये बता देना कि आप लोग की फेवरेट गाड़ी कौन सी है फॉर्चुनर या फिर डिफेंडर। अरे यार क्या कर रहा हूँ लाइक एंड सब्सक्राइब भी नहीं किया अब तक, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो गाइस।